हम लोग गुरु वैष्णव के आनंद में श्री छत्र मंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर पहुंचे हैं ये श्री हरिदास ठाकुर का समाधि है। हरिदास ठाकुर का समाधि है। समाधि मतलब क्या है? जैसे देखना, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं, जहाँ पर उनको शरीर को काट देते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? कब्रदान कहते हैं। अगर भूल से अगर कोई घर चले जाए ना, अब देखना उनको स्नान करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। लेकिन इनकी समाधि में हम यहाँ पर बैठे हरि कथा सुन रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि जो साधारण व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है उसके लिए हम कब्र स्नान कहते हैं। लेकिन जब कोई भगवान की भक्त शरीर छोड़ता है, जैसे बताया ना, जन्मा कर्मा जमे निम्रम एवं क्या व्यतिलत्वत, कृष्ण जी का भी कह रहे हैं अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य अपराध तो अवलोक। इसलिए कृष्ण के अंतर न जन्म कर्म बंधना वैष्णवाना, वैष्णव का जन्म कर्म बंधन नहीं। संगे आए थे न संगे जाए थे। जब इसी जगत में कोई भक्त आते हैं, महाप्रभु द्वारा प्रेरित होकर के उनकी इच्छा से आते हैं, जब उनकी काम पूरा हो जाता है घर अपना धाम चल जाता है। इसी से हरिदास ठाकुर की जब ये शरीर को छोड़े, महाप्रभु स्वयं अपना गोल पूछा निकलाए। इसलिए महाप्रभु सुनाई पड़ता है कि वो दो व्यक्ति को महाप्रभु गोल में उठाए। एक तो चांद काजी वहां पर जो चांद काजी ने सब शरीर छोड़े तो मामा लगते हैं और कंसर है, इसलिए उनको गोद में उठाए। और जो दूसरे व्यक्ति है श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री हरिदास ठाकुर जी की, इसलिए महाप्रभु इनको अपना गोद में उठा करके लेकर आए हैं। और उन्होंने क्या किया? समुद्र में स्नान कराया उन्होंने। और महाप्रभु क्या कहते हैं? अरे समुद्र, अभी तक तुम केवल तीर्थ था, लेकिन आज श्री हरिदास ठाकुर की स्पर्श से वो तीर्थ नहीं, आज महातीर्थ हो गया। लेकिन साधारण व्यक्ति जब शरीर छोड़े, अगर हम उसको स्पर्श करते हैं ना, हमें स्नान करना पड़ता है। लेकिन महाप्रभु देखो, जो भक्त हैं, जो भजन करने वाले, उनका शरीर का कितना अपराध करते हैं। शरीर छोड़ने का बाद में भी समुद्र को कहते तीर्थ था, क्योंकि समुद्र को कहते सारे तीर्थ का पानी समुद्र का आता है, वो महातीर्थ है। लेकिन समुद्र महाप्रभु स्वयं यहाँ ला करके अपना हाथ पर उनको समाधि दिया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और जगन्नाथ मंदिर भी जा रहे हैं और अपना बोली पसार करके महाप्रभु दीक्षा मांगते हैं। हरिदास ठाकुर के लिए दीक्षा तो है, और दीक्षा देकर महाप्रभु क्या कहते हैं? अपना हाथ पर सबको प्रसाद दिला रहे। और बात भी क्या कहते हैं? जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर की दीक्षा में साथ में आए, उनकी समाधि में आई, यहाँ तक भी उनकी पुस्तक में जो प्रसाद पाए थे, मैं आशीर्वाद देता हूँ, उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई थी। हरि बोल। मतलब ये हरिदास की कितने महिमा है, कितने महिमा हरिदास ठाकुर की। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले जाति कुल निरस करो यहाँ जाए से हरिदास जन्मिले ने जबन बोलते। हरिदास ठाकुर जी भी वो कौन है? हरिदास ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा जी और ये नारद, ये दोनों भी कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जी ने। इन्होंने क्या शिक्षा दिया? भगवान की भजन में कितना जात पात पूछना होई और हरि का भजा तो हरि का होई। इसलिए भगवान की भक्ति में कोई जात पात का विचार नहीं। इसे कृष्णदास कविदास गोस्वामी कहते हैं, जय भजे सही बड़ अभक्त ही विचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादी विचार। कृष्ण भजन में जा जो भजन करता है, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, विप्राग की सर्वजुक्त अरविंद ना बजा। लेकिन कहते अगर किसी ब्राह्मण
लेकिन भगवान की भक्ति से वो विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं करता, उससे डाल सकते क्यों? वो भगवान की भक्ति करने का वजह से वो अपना जीवन को संचित किया ही है और त्रिसप्तमी पिता होता वो अपना किसी सुधार कर देता है। अभिमानी ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते कलयुग में तो ब्रह्म पर तत्व तो ना जाना थी ब्रह्म सूत्र गर्भिता केवल जन्म लेकर गर्भित करते हम तो बड़े ब्राह्मण है, है? बड़े ब्राह्मण है लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं लेकिन अगर चंडाल में भगवान की भक्ति करता है तो उससे भी श्रेष्ठ खुद का कल्याण करेगा दूसरे का भी कल्याण करेगा है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी इसलिए और हरिदास ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर भक्ति करना तो चारी गुणे पुणी हया करो, चारी गुणे पुणी होकर के किस तरह करनी चाहिए और वो क्या है? कृष्णा गति सुनिचे न करो रवि सही सुना हमारी ना समान देख कृतज्ञ सदारी। यदि चार गुण अगर आ गया ना बात तब तो भगवान का किस तरह कर सकते हैं। अगर ये लोग उनकी कभी मुस्लिमान स्वरूप है ना जैसे हरदास ठाकुर मुसलमान को लेकर जन्म लिया अब तो हिंदुओं का छाया स्पर्श करते बड़ा स्नान करते अब तुमने जन्म ग्रहण किया तो आप मुसलमान अब तो मुसलमान हो गए हरे कृष्ण करते हमारा आज्ञा सर्वत्र करा प्रकाश चाहे देखो का